तो अब हम लोग कोलिजन शुरू करते हैं। कोलिजन क्या होता है हम लोग जानते हैं। मान लेते हैं कि दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज क्या करें आपस में एक डायरेक्शन में आ रहे हो, ऐसा भी हो कोलाइड इच सकता अदर, है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बॉडीज इस अपोजिट लाइन के लॉन्ग ऐसे चल रहे हैं। और ये मान लें हमारा वेलोसिटी कुछ u1 है, इसका वेलोसिटी कुछ u2 है, इसका वेलोसिटी u1 है, ये वेलोसिटी u2 है। इन दोनों ही कंडीशन में कोलिजन हो सकता है। अब इसमें तो हमेशा होगा, यस है। ये तो श्योर ही होगा, लेकिन इसमें तब होगा जब यू यू वन वन ग्रेटर ग्रेटर है देन यू यू टू टू तो ये जो कोलिजन है तो उसके दौरान होता क्या है, ये सब हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि जब बॉडीज कोलाइड करती हैं तो ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। बाहर से फोर्स अगर लग भी रहा हो तो वो कैसा फोर्स है? बाहर से जो फोर्स होगा वो बहुत छोटा फोर्स होगा। जैसे मान लेते हैं कि फ्रिक्शन लगा, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा फोर्स अगर लगेगा भी तो उसको हम लोग उस समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कोलिजन के दौरान जो बॉडीज आपस में फोर्स लगाती हैं वो इम्पल्सिव नेचर का फोर्स होगा। इम्पल्सिव फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत लार्ज फोर्स जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगे तो उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो कोलिजन के दौरान जो फोर्स लगता है वो इम्पल्सिव नेचर का फोर्स होता है। इसीलिए कोलिजन के दौरान के लिए हम लोग हमेशा फ्रिक्शन को इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है एकदम? यस तो सर, फ्रिक्शन को हम लोग यहाँ इग्नोर कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस कोलिजन को पहले, सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लें कि कोलिजन क्या होता है। तो दिस इज एन आइसोलेटेड इवेंट, इट इज एन आइसोलेटेड इवेंट। आइसोलेटेड इवेंट होने का मतलब क्या हुआ? आइसोलेटेड इवेंट, आइसोलेटेड इवेंट होने का मतलब हुआ है ये है कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू बॉडीज अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, फोर्स ऑन टीचर ईच अदर एंड ट्रैजेक्ट्री ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टिकल्स, वन ऑफ द बॉडीज चेंजेस। कम से कम एक बॉडी का ट्रैजेक्ट्री चेंज करे तो हम लोग कहेंगे कि कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के लिए फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नीडेड फॉर कोलिजन। फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नीडेड फॉर कोलिजन। कोलिजन होने के लिए फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी जब यहाँ टकरा रहा है इस समय तो कोलिजन हो ही रहा है। जब हम लोग ने पढ़ा था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और हम लोग मान लेते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल है जो वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, और इसको हम लोगों ने बॉम्बार्ड किया टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो ये अल्फा पार्टिकल जब जाता है तो ये इस न्यूक्लियस के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो इस बहुत नज़दीक जाके, जिसको हम लोग बैठ इस गया। डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस डिस्टेंस पे आके अगर इसी लाइन के लॉन्ग हो तो 180 डिग्री एंगल से बेंड कर जाता है। यस, इस कंडीशन में भी हम लोग कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो कोलिजन। कॉलिजन सो फॉर कोलिजन टू अकर फिजिकल कॉन्टैक्ट रिलाटरी इज नॉट नेसेसरी। यस यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जैसे फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ ये भी कोलिजन है, और फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो भी कोलिजन है। बस हाँ भाई, उसमें दोनों पार्टिकल्स क्या करें, एक दूसरे को फोर्स फोर्स लगा लगाए और किसी एक पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री कम से कम चेंज हो, दोनों का ट्रैजेक्टरी मींस वे ट्रेजेक्ट्री ऑफ मतलब पाथ। रास्ता, जो जिस रास्ते से वो चल रहा है यस वो रास्ता अगर चेंज होता है तो हम लोग कहेंगे कि कोलिजन हुआ। अब रास्ता चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि सर्टेन हर पॉइंट बार पे वो डिफ्लेक्ट ही हो सकता है, उसी डायरेक्शन में मूव करे और वेलोसिटी चेंज हो जाए यस सर। तब भी कोलिजन होगा। सर ऐसे नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, ऐसे चल रहा है और दम पॉइंट ऑफ टाइम पर ही डायरेक्शन चेंज हो गया सर। तो हाँ डायरेक्शन चेंज होगा तब भी कोलिजन होगा, है ना? आज तो क्लियर है कोलिजन कब कब हुआ? जब या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या वेलोसिटी का पीछे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, कोई एक चीज कम से कम चेंज होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि भाई कोलिजन हुआ। बहुत क्लियर अच्छा है एकदम? एक्सपीरियंस। हाँ,
अब हम लोग ये कोलिजन में होता क्या है वो देखें। कोलिजन में जब पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन देखे तो कुछ इस तरह के सिचुएशन में होंगे, या तो इस तरह के या इस तरह के सिचुएशन में होंगे, लेकिन जब कोलिजन होगा उस समय पार्टिकल्स कुछ इस तरह की कंडीशन में आ जाए, उनका बाहर वाला जो पार्ट रहता है, बाउंड्री रहता है, वो तो एज इट इज रहता है, लेकिन जहाँ जिस लाइन के लॉन्ग कोलिजन हो रहा है यहाँ पे डिफॉर्मेशन आता है, और ये डिफॉर्मेशन के कारण इनमें बिल्कुल ये लोग स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। क्या स्टोर हो जाता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ये स्टोर हो गया, अब पार्टिकल्स जैसे ही कोलिजन के बाद आएंगे, आफ्टर कोलिजन जब सेपरेट हुए, तो ऐसा हो दो कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है। एक कंडीशन ये पॉसिबल है कि वो अपना शेप वापस पूरी तरह से रीगेन कर ले, है ना? तो अगर शेप रीगेन हो गया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया था? तो शुरुआत में इनके पास काइनेटिक एनर्जी था। क्या वही काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ? हाँ, उसी काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब कोलिजन पीरियड खत्म हुआ तो दो पॉसिबिलिटी, या तो पार्टिकल्स आपस अपना शेप पूरी तरह रीगेन कर लें, अगर पार्टिकल्स अपना शेप पूरी तरह से रीगेन कर लेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया जीरो और पूरा पूरा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को मिल गया। अगर पूरी तरह से शेप रीगेन नहीं हो पाया तो उस समय कुछ एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रह जाएगा और शुरुआत का टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं रहेगा, है ना? बराबर नहीं रहेगा। जब वो अगर डिफॉर्म्ड रह जाए तो इक्वल नहीं रहेगा, लेकिन अगर पूरा पूरा शेप रीगेन कर ले तो इक्वल हो जाएगा। क्लियर है एकदम? यस सर। इसका मतलब यहाँ पर गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है? हाँ, गेन पोटेंशियल एनर्जी होगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ये परमानेंटली भी हो सकता है और टेम्परेरली भी हो सकता है। टेम्पररली तब होगा जब शेप वापस पूरी तरह रीगेन हो जाए, और परमानेंटली तब होगा जब शेप पूरी तरह रीगेन नहीं हो इवन आफ्टर कोलिजन। इसी के बेसिस पे हम लोग दो टाइप ऑफ कोलिजन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम लोग इस बेसिस पे जाएं कि टाइप ऑफ कोलिजन क्या है, हम लोग क्या करेंगे, एक तरह का कोलिजन पहले देखते हैं कि कोलिजन को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, कि पार्टिकल्स कैसे कैसे मूव कर रहे हैं उनके बेसिस पे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कोलिजन को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन या टाइप्स ऑफ कोलिजन हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोलिजन, कोलिजन के टाइप में, टाइप्स ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन में पहला जो है बेसिस जो हम लोग बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के डायरेक्शन ऑफ मोशन के बेसिस पे। ये पार्टिकल्स की जगह बॉडीज भी हो सकता है, मतलब हो सकता है हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, तो उन दोनों के केस को देखेंगे हम लोग। इसके बेसिस पे कैसे डिफाइन, कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, वन इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। कारण क्या है, जब पार्टिकल्स को कोलाइड करना होता है तो पार्टिकल्स के लिए ज़रूरी है कि ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही मूव करें। अगर कभी ऐसा हो गया कि पार्टिकल्स अलग अलग लाइन में मूव करना शुरू कर दें तो वो कभी भी कोलिजन पॉसिबल नहीं है ना, कोलिजन पॉसिबल उस केस में नहीं है। अच्छा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कम से कम एक कंपोनेंट उसका इधर हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, कि ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो लेकिन लेकिन ऐसे आते हुए भी एक समय ऐसा आए कि जब वो मूव इस तरह से कट जाए। लेकिन अगर इसके पास एक्सटेंशन नहीं होगा तो कोलिजन पॉसिबल नहीं, मतलब पार्टिकल्स है तब कोलिजन पॉसिबल नहीं। हम देखेंगे जब बॉडीज हैं, बड़े बॉडीज, तो कोलिजन पॉसिबल।
जैसे यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन होगा जब बड़े बॉडीज का, मान लेते हैं दो स्फीयर है, एक स्फीयर जिसका रेडियस आर, दूसरा स्फीयर आइडेंटिकल स्फीयर ले लेते हैं उसका भी रेडियस आर ही मान लेते हैं, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ देयर सेंटर अगर वेलोसिटी हो जाए तब जो ये कोलिजन होगा तो ये हेड ऑन कोलिजन कहलाएगा। उसी तरह से ऑब्लिक कोलिजन कैसे हो सकता है एक्सटेंडेड बॉडीज में? एक्सटेंडेड बॉडीज में ऑब्लिक कोलिजन होने के लिए बॉडीज मान लेते हैं एक ऐसे मूव कर रहा है और दूसरा ऐसे मूव कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये जब आएगा तो ये इस पे चला गया और ये लेकिन आके इसे टकरा जाएगा, इसे आके टकराए, तो यहाँ पे जो कोलिजन होगा, ये जो कोलिजन होगा वो कोलिजन कहलाएगा ऑब्लिक कोलिजन। इस समय पार्टिकल्स पार्टिकल जब टकराएगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा और ये ऐसे मुड़ जाएगा, तो ये 2D कोलिजन हो गया, साइड वाइज 2D कोलिजन। तो ये जो 2D कोलिजन है उसी को हम लोग ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं, साइड टकराएगा। हाँ, इन दोनों का साइड टकराएगा। अब हम लोग ऐसा थोड़ा सर, अगर इसका स्पीड मतलब ज़्यादा होना चाहिए इसके बाद ही ना। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब दोनों जाके साइड साइड टकराएगा, वो जब दोनों ऐसे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो एक समय तो जरूर आएगा ना जो एक फ्रैक्शन ऑफ दिस और दूसरा फ्रैक्शन ऑफ दिस दोनों सेम लाइन में होगा और टकरा जाएंगे। इसी का सिर्फ अगर डायरेक्शन चेंज होता तो ये रुका हुआ रहेगा तब भी कोलाइड कर देगा, ये रुका रहेगा तब भी चल भी रहा है, अचानक इसका डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज होने के लिए कोलाइड करना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि केवल एक का ही डायरेक्शन चेंज हो, अगर एक बहुत हेवी होगा तो ऐसा हो सकता है कि केवल एक का डायरेक्शन चेंज हो और दूसरा जो है वो लगभग लगभग उसी डायरेक्शन में जाए, या अगर उसमें डेविएशन भी हो तो थोड़ा कम हो, एकदम कम डेविएशन, ऐसा हो सकता है। स्कूटर होगा हाँ, वैसा हो सकता है ना, एक ट्रक हो एक स्कूटर हो तो स्कूटर का डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन पूरा नीचे। अब हम लोग ये हो गया हम लोग का टाइप ऑफ कोलिशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। अब हम लोग सेकेंड टाइप करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीगेनिंग इन द शेप, ऑन द बेसिस ऑफ रीगेनिंग ऑन द शेप, ऑन द बेसिस ऑफ रीगेनिंग ऑफ शेप। शेप किस एक्सटेंट तक रीगेन हो पाया, या फिर ये कहें कि ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का भी यही बेसिस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रीगेनिंग ऑफ शेप और ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा सेकंड बेसिस हो गया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ कोलिशन। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो एक होता है इलास्टिक, फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, फर्स्ट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन को कभी कभी प्लास्टिक कोलिजन भी कहा जाता है, एंड थर्ड प्लास्टिक, हाँ क्योंकि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब प्लास्टिक कोलिजन है ना, एंड थर्ड इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन इसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। इन सबको हम लोग बहुत डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, इससे पहले कि हम लोग इस इन सबको एक एक करके पढ़ें हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अभी पहले हम लोग उसको डिफाइन कर ले, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का कोएफिशिएंट को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है वो देखें। सबसे पहले अगर पार्टिकल्स के कोलिजन से पहले की बात करें तो मास m1 है u1 वेलोसिटी से जा रहा है, मास m2 है वो u2 वेलोसिटी से जा रहा है, तो क्या ज़रूरी है कि ये कोलिजन हो उसके लिए u1 ग्रेटर देन u2 है? ये होना ज़रूरी है, अगर u2 बड़ा होगा तो कोलिजन होगा ही नहीं। तो बिफोर कोलिजन एक चीज़ टर्म यूज़ करते हैं जो अप्रोच कहलाता है, तो बिफोर कोलिजन अप्रोच होना ज़रूरी है, और आफ्टर कोलिजन क्या होना चाहिए, m1 मास है v1 वेलोसिटी, और मान लेते हैं दूसरा बॉडी जो है उसका मास m2 है
और वो वी टू वेलोसिटी। तो आफ्टर कोलिजन सेपरेशन होना ज़रूरी है, अगर आफ्टर कोलिजन सेपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर से एक बार कोलिजन हो जाएगा, फिर से अप्रोच हो जाएगा और फिर से कोलिजन हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वी टू ग्रेटर देन वी वन हो, तो दिस इज सेपरेशन विच इज़ नेसेसरी आफ्टर कोलिजन सेपरेशन। ठीक है, ये हो गया बिफोर कोलिजन अप्रोच एंड आफ्टर कोलिजन सेपरेशन। इज इट क्लियर? सो देयर इज वन थिंग विच वी कॉल एज कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं इस तरह से कि ई इक्वल टू होता है आर वी एस बाई आर वी ए, जहाँ आर वी एस क्या है वो हम बताएंगे। आर वी एस जो है वो आर वी एस है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, बिकॉज सेपरेशन जो होगा वो हमेशा किसके बाद होगा, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये आर वी एस होगा, लेकिन जब भी हम ये रखेंगे तो ये इसका हम लोग मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो आर वी एस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, एंड देन वी हैव आर वी ए। आर वी ए हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिशन। तो ये हम लोग को आर वी एस और आर वी ए दोनों निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे पास बॉडीज हैं, एम वन मास है यू वन वेलोसिटी से जा रहा है, और दूसरा बॉडी है एम टू मास है यू टू वेलोसिटी से जा रहा है, तो यू वन ऑब्वियसली ग्रेटर देन यू टू होगा। तो कितने रिलेटिव वेलोसिटी से अप्रोच हो रहा है, तो यहाँ से आर वी ए निकाल लेंगे, वो आर वी ए कितना आ जाएगा, यू वन माइनस यू टू। और उसी तरह से मान लेते हैं पार्टिकल्स हैं आफ्टर कोलिजन, एम वन मास है वी वन वेलोसिटी से जा रहे हैं, और दूसरा पार्टिकल है एम टू वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली v2 ग्रेटर देन v1 होना चाहिए। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चेंज हो गया सर। हाँ, वेलोसिटी चेंज, पर कोलिजन के दौरान वेलोसिटी तो चेंज होना ही है, वही तो हम लोग बात किए हैं। तो आर वी एस जो होगा, आर वी एस इक्वल्स टू होगा v2 माइनस v1। तो आर वी ए आ गया और आर वी एस आ गया, क्योंकि ये बड़ा था और हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए इस तरह से किए। सो हम लोग आर वी एस की जगह रख लेंगे v2 माइनस v1, ये आ गया v2 माइनस v1, और आर वी ए की जगह रखेंगे u1 वन माइनस यू टू, तो ये e का वैल्यू आ गया। क्लियर है क्या? yes, अब ये जो e है ये भी इलास्टिक नॉन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन में क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग सबसे पहले पढ़ लिए। अब हम लोग डिटेल में एक एक करके सारे कोलिजन्स को पढ़ेंगे।